Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are starting a new chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. और आज हम अपना chapter number 9 start करेंगे. हमारे chapter का नाम है Rocks and Minerals. तो चलिए chapter start करते हैं. In this chapter, you will learn. इस chapter में आप पढ़ेंगे rocks के बारे में, uses of rocks के बारे में, minerals और gemstones के बारे में. तो चलिए chapter start करते हैं. Before we start the chapter, first we have to do warm-up exercise. Circle the things that are made up of rocks. यहाँ पे कुछ चीज़ों की picture दी हुई हैं. आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो रॉक से बनी है, मतलब जो पत्थर की बनी हुई है. नाउ वी विल लर्न अबाउट रॉक्स. रॉक्स क्या होते हैं? द अर्थ इज मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड रॉक्स. हमारी धरती एक कठोर ऐसे पदार्थों से बनी है जिसे हम रॉक्स कहते हैं, पत्थर कहते हैं. रॉक्स आर फाउंड ऑन द माउंटेन हिल्स एंड वैली. पत्थर कहाँ मिलते हैं हमें? पहाड़ों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर और वैलीज में. दे ऑल्सो फाउंड अंडर रिवर्स एंड सी. ये पानी के अंदर और समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं. रॉक्स आर ऑफ मैनी काइंड्स. पत्थर बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. सम रॉक्स आर हार्ड लाइक ग्रेनाइट रॉक्स. कुछ पत्थर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें हम ग्रेनाइट रॉक्स कहते हैं. सम रॉक्स आर सॉफ्ट लाइक सैंड स्टोन रॉक्स. और कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं जैसे कि सैंड स्टोन रॉक्स. सम रॉक्स लाइक मार्बल एंड स्लेट्स आर स्मूथ. और कुछ रॉक्स कौन से? मार्बल और स्लेट. ये कैसे होते हैं? बहुत स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं. आप सबके घरों में मार्बल के फर्श होते हैं. मार्बल कैसा होता है? एकदम स्मूथ होता है. सम रॉक्स लाइक शेल एंड स्लेट आर फाउंड इन लेयर्स. और कुछ रॉक्स कौन कौन से? शेल और स्लेट. ये कैसे होते हैं? ये लेयर्स में होते हैं, इनकी परत होती है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? केव मैन यूज अ हार्ड रॉक कॉल्ड फ्लिंट टू मेक देयर वेपन्स. अपने औजार बनाने के लिए केव मैन क्या यूज करते हैं? कठोर पत्थर का, जिसे हम फ्लिंट कहते हैं. टेक टू पेबल्स इन अ डार्क रूम, यू विल सी अ स्पार्क. केव मैन यूज फ्लिंट स्टोन टू लाइट फायर. आप अंधेरे कमरे में जाइए, दो पत्थर को लीजिए. जब आप उन दो पत्थर को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? उसमें से चिंगारी निकलेगी दो पत्थरों को रगड़ने पर. तो केव मैन, आदि मानव क्या यूज़ करते थे आग जलाने के लिए? वो दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे जिससे आग जलती थी. नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल. चलिए जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और दो ऑप्शन दिए हुए हैं. आपको सही ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहला अ सॉफ्ट रॉक. आपको बताना है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन में से सॉफ्ट रॉक कौन सा है. तो सॉफ्ट रॉक है सैंडस्टोन का, तो हम इस पर टिक लगाएंगे. नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ. रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सम रॉक्स आर स्मॉल वाइल सम आर बिग. रॉक्स आर ऑफ मैनी कलर्स लाइक रेड वाइट ब्लैक एंड ग्रे. रॉक्स कैसे होते हैं? अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों के होते हैं. सभी रॉक्स एक जैसे नहीं होते, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं. रॉक्स डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं, जैसे रेड वाइट ब्लैक और ग्रे. सैंडस्टोन इज अ रेड रॉक. लाल पत्थर कौन सा होता है? जिसे हम सैंडस्टोन कहते हैं. मार्बल इज वन ऑफ मैनी कलर्स वाइट ब्लैक ग्रीन एंड पिंक. मार्बल बहुत अलग अलग रंगों में आता है. कौन कौन से? वो वाइट कलर का भी होता है, ब्लैक भी होता है, ग्रे और पिंक. पिंक मतलब गुलाबी रंग में भी आता है. रॉक सॉल्ट एंड ग्रेनाइट आर ग्रे इन कलर.
रॉक सॉल्ट और ग्रेनाइट कैसे होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं। स्लेट इज अ ब्लैक रॉक। ब्लैक पत्थर कौन सा होता है? जिसे हम स्लेट कहते हैं। नाउ वी विल लर्न यूजेस ऑफ रॉक्स। स्लेट इज यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ ऑफ हाउसेस। घर की छत और ब्लैक बोर्ड जो आपके स्कूल में होते हैं, ब्लैक बोर्ड जिन पर आपकी टीचर लिख के आपको पढ़ाती है, वो किससे बनते हैं? वो स्लेट से बनते हैं। रॉक सॉल्ट इज यूज टू मेक फूड टेस्टी। रॉक सॉल्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है? सॉल्ट मतलब नमक। ये हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं, हमारे खाने को स्वाद लाते हैं। ग्रेफाइट इज यूज टू मेक पेंसिल्स। पेंसिल्स को बनाने के लिए कौन सा रॉक यूज होता है? ग्रेफाइट। नाउ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड रॉक। ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। इट इज़ यूज फॉर स्टैचू, फ्लोर्स एंड बिल्डिंग। बड़े बड़े स्टैचू बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए और क्या बनाने के लिए? फ्लोर जिसे हम फर्श कहते हैं, उनको बनाने के लिए ग्रेनाइट का यूज़ होता है। मार्बल इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल बिल्डिंग लाइक द ताजमहल एंड स्टैचू। आप सबने ताजमहल को देखा होगा। ताजमहल किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से। तो उसमें क्या यूज़ हुआ? मार्बल। देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए और बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू बनाने के लिए हम मार्बल का यूज़ करते हैं। सैंडस्टोन इज़ यूज फॉर बिल्डिंग। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। आप सब ने लाल किला देखा होगा। तो लाल किला किससे बना है? लाल पत्थर से, जिसे हम कहते हैं सैंड स्टोन। और ज्वेलरी बनाने के लिए भी हम सैंड स्टोन का यूज़ करते हैं। वी मेक द चॉक विच वी यूज फॉर ब्लैक बोर्ड फ्रॉम चॉक रॉक। चॉक रॉक से क्या बनती है? चॉक बनती है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आती है चॉक। नाउ वी विल लर्न अबाउट मिनरल्स। अब मैं आपको मिनरल्स के बारे में बताऊँगी। मटीरियल ऑफ विच ऑल रॉक आर मेड आर कॉल्ड मिनरल। मिनरल क्या है? वो पदार्थ है जिनसे मिलकर क्या बने हैं? रॉक्स, पत्थर बने हैं। मीका, सिलिका एंड क्वार्ट्स आर द मोस्ट कॉमनली मिनरल फाउंड इन द रॉक। रॉक में बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं जिसे हम माइका, सिलिका और क्वार्ट्स कहते हैं। मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस एंड कलर। मिनरल्स अलग अलग आकृति, आकार और रंगों के होते हैं। ग्रेफाइट अ सॉफ्ट मिनरल इज यूज फॉर मेकिंग द लेड ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की नोक बनाने के लिए क्या यूज होता है? ग्रेफाइट। डायमंड इज अ वेरी हार्ड मिनरल। आप सब ने डायमंड का नाम सुना होगा, जिसे हम हीरा कहते हैं। वो कैसा होता है? वो बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा कठोर मिनरल है। इट इज़ यूज फॉर कटिंग ग्लास। वो ग्लास को काटने के काम आता है। वेन डायमंड इज कट एंड पॉलिश इट शाइन। जब डायमंड की पॉलिश की जाती है, उसे काटा जाता है, तो उसमें क्या आती है? शाइन्स, जिसे हम चमक कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। डायमंड का यूज़ किस लिए होता है? आभूषण बनाने के लिए, हीरे के आभूषण। आप सब ने सुना होगा डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल नोन एज फार। डायमंड क्या है? सबसे ज़्यादा कठोर मटीरियल है, जिसे हम क्या कहते हैं? फार कहते हैं। टाल्क इज द सॉफ्ट मिनरल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टेलकम पाउडर। आप सब लोग समर्स में टेलकम पाउडर का यूज़ करते हैं। टेलकम पाउडर कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। तो टेलकम पाउडर बनाने के लिए हम टाल्क का यूज करते हैं। सिलिका अनदर मिनरल इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास एंड मिरर्स। शीशे और ग्लास बनाने के लिए क्या यूज होता है? सिलिका का यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे जेमस्टोन के बारे में। जेमस्टोन्स क्या होते हैं? जेमस्टोन्स आर वेरी हार्ड मिनरल। जेमस्टोन बहुत कठोर मिनरल्स होते हैं। दीज स्टोन्स आर कट इन वेरियस शेप एंड पॉलिश। इन सब मिनरल्स को डिफरेंट शेप्स में काटा जाता है और क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है। पॉलिश जेम स्टोन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन ज्वेलरी।
और जब इन जेम स्टोन को पॉलिश किया जाता है और डिफरेंट शेप्स में कट किया जाता है तो ये बहुत सुंदर लगते हैं और इनका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए होता है। देखिए ये पिक्चर किसकी है, रॉ रूबी की, रॉ एमरल्ड की और रॉ ग्रेनाइट की। जब रूबी के पत्थर को पॉलिश किया जाता है तो वो कैसा लगता है, बहुत सुंदर ब्लू कलर का होता है। देखिए जब पहले जेम स्टोन की कटिंग और पॉलिश नहीं हुई थी तो वो कैसे लगते थे और अब देखिए रूबी, एमरल्ड और ग्रेनाइट कैसे लग रहे हैं, कटिंग और पॉलिश होने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक, चलिए जल्दी से फ्लैशबैक में चलते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ रॉक्स, हमारी धरती बहुत अलग अलग तरह के रॉक्स से मिलकर बनी है। रॉक्स आर ऑफ मैनी शेप एंड साइजेस, दे हैव मैनी कलर्स। सम रॉक्स आर हार्ड एंड सॉफ्ट, कुछ पत्थर सॉफ्ट होते हैं और कठोर भी होते हैं। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, जेम स्टोन्स आर वेरी हार्ड मिनरल्स, जेम स्टोन बहुत ज़्यादा कठोर मिनरल्स होते हैं। नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज, चलिए जल्दी से कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। नंबर वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है और उनके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और उस पर टिक का निशान लगाना है। नंबर वन, द अर्थ इज मेड मोस्टली ऑफ, हमारी धरती मोस्टली किससे बनी है, रॉक्स, जेम स्टोन, वाटर या मिनरल्स, हमारी धरती बनी है रॉक्स से, पत्थरों से। नंबर टू, दिस इज यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड किससे बनते हैं, रॉक सॉल्ट, स्लेट, मार्बल या टाक से, तो ये बनते हैं स्लेट से, SLATE, स्लेट। नंबर थ्री, दिस इज बिल्ट ऑफ सैंड स्टोन, सैंड स्टोन से क्या बना है, लाल पत्थर से, ताजमहल, लोटस टेम्पल, तिरुपति टेम्पल या रेड फोर्ट, वो बना है रेड फोर्ट, जिसे हम लाल किला कहते हैं। नंबर फोर, यू विल डू बाय योरसेल्फ, नाउ टाइम टू डू सम फिल इन द ब्लैंक्स, द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट, ताजमहल सफ़ेद किससे बना है, वाइट मार्बल से, MARBLE मार्बल। नंबर टू, डैश इज अ हार्ड रॉक, सख्त कठोर रॉक कौन सा है, ग्रेनाइट, GRANITE ग्रेनाइट। नंबर थ्री, द डैश इज मेड अप ऑफ मैनी रॉक्स, क्या बहुत सारे पत्थरों से मिलकर बनी है, तो हमारी धरती EARTH अर्थ बहुत सारे रॉक्स से मिलके बनी है। नंबर फोर, यू विल डू बाय योरसेल्फ, नाउ एक्सरसाइज सी, नेम द फॉलोइंग, तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन द फॉर्म ऑफ नेम द फॉलोइंग। नंबर वन, अ हार्ड रॉक, सख्त या कठोर रॉक कौन सा है, तो वो है ग्रेनाइट, GRANITE ग्रेनाइट। नंबर टू, अ सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक कौन सा है, आप लेसन को पढ़िए और नंबर टू आप खुद करेंगे। नाउ नंबर थ्री, अ ब्लैक रॉक, काला पत्थर, तो कौन सा है काला पत्थर, स्लेट, SLATE स्लेट। नंबर फोर एंड नंबर टू, यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। In this video, we have learned about different rocks and minerals. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Have a nice day.